शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भक्तों को रंगों से रंगीन कर दिया। होली का पर्व शंकराचार्य के अनुयायियों और भक्तों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया। ज्योतिश्वर स्थित परमहंसी आश्रम में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने भक्तों के साथ होली खेली और रंगों की फुहार उड़ाकर उन्हें रंगीन कर दिया। परमहंसी गंगा आश्रम पर बुराई रूपी होलिका का दहन किया जाता है और बुराई पर सच्चाई की जीत दर्ज की जाती है। होली पर्व अपने हृदय की बुराइयों को, मतभेदों को होली की अग्नि में जलाकर पवित्र मन से मतभेद बुलाने वाला पर्व है। इस दौरान जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य जी महाराज ने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा आज होली को उत्सव पर मनाया गया। वैसे तो इसकी कल से ही है, कल सायंकालीन वो धूली बेला में पूज्य महाराज श्री ने अपने सानिध्य में सभी ब्रह्मचारीगण आश्रम वासियों ने होली का दहन का कार्य संपन्न किया। उससे उसके माध्यम से एक संदेश जाता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय और मिलन का ये पर्व है होली का उत्सव। इसमें सभी बुराइयों को भूल करके लोगों को आपस में मिलना चाहिए, यही संदेश मुख्यतः जाता है। और गुरु जी ने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी धर्म के लोगों को आशीर्वाद दिया है कि मिल करके रहें, शांति से रहें और अपना एकता बना के रहें, भाईचारा बना करके रहें।